नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा दृष्टि से अपने जीवन काल में आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों हम आप सभी प्यारे भक्तों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर यानी कि दिनांक 21 जुलाई, 22 जुलाई और 23 जुलाई, दोस्तों जुलाई माह के इन 3 दिनों के समावधि में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा दृष्टि से आपके ज़िंदगी में होने वाली हैं बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन। दोस्तों जिस परिवर्तन से आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएंगी और आप लोगों को इन 3 दिनों के भीतर ऐसे बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेंगी। दोस्तों जिन्हें सुनकर आपके तो बिल्कुल ही होश उठ जाएंगे। दोस्तों ऐसी खुशखबरी आज तक आपने अपनी पूरी ज़िंदगी भर में कभी नहीं देखे होंगे। और आप लोगों को हम बताना चाहूँगा कि दोस्तों यह समय आपके कुंडली में 2 बड़े शुभ योग का भी निर्माण हो रहे हैं। दोस्तों जिस योग से आपके ज़िंदगी में आप लोगों को इन 3 दिनों के भीतर ऐसा बड़ा चमत्कार देखने को मिलेंगे। दोस्तों जिस चमत्कार से आपकी पूरी ज़िंदगी ही सवर जाएंगी। और हम आप सभी प्यारे भक्तों को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपके जीवन काल में जो भी मुसीबतें थीं और आप अपने जीवन काल में जो भी दुख तकलीफों का सामना सालों से कर रहे हैं, दोस्तों आपके जीवन काल में जिन परेशानियों को लेकर आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, दोस्तों आप इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में हर एक प्रयास किए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को आज तक इस मुसीबत से इस परेशानी से मुक्ति नहीं मिली थी। और आप हमेशा भगवान से यह प्रार्थना भी करते थे और कहते थे कि हे भगवान, आखिर हमारे जीवन की परेशानियों का अंत कब होंगे, आखिर हमारी ज़िंदगी में दुखों का अंत कब होंगे और हमारी ज़िंदगी में आखिर खुशियां कब लौटेंगी। तो आप लोगों को हम बताना चाहूँगा तो अब आपके लिए वह समय आ चुका है, क्योंकि दोस्तों आपने जो पिछले समय अवधि में जिन दुख तकलीफ़ों को सहकर आपने जो अच्छे कर्म किए थे, आपने जो मेहनत किए थे और आप जो हमेशा सच्चाई की राह पर चले हैं, आप हमेशा लोगों के साथ जो भला किए हैं, दोस्तों उसी कर्म का फल आप लोगों को यह समय स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी आप लोगों को देने वाले हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपके जीवन में आपके रास्ते में चाहे कितनों ही मुसीबतें क्यों ना आए थे, लेकिन दोस्तों आपने कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं चले थे, आप हमेशा सच्चाई की राह पर चले हैं और आपके इसी कर्म के वजह से आपके ज़िंदगी में अब ये खुशियाँ आने वाली हैं, आपके ज़िंदगी में अब ये परिवर्तन होने वाली हैं। और दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपके जीवन काल में अगर जो भी लोग आपके दुश्मन तत्व बने हुए थे, दोस्तों जो इंसान आपके बारे में हमेशा बुरा सोचते थे, आपको हमेशा बुरा भला कहते थे और आपके लिए हमेशा परेशानी कुछ न कुछ करते रहते थे, आपको हमेशा गड्ढे में गिराने के बारे में सोचते रहते थे, तो आप लोगों को हम बताना चाहूँगा कि अब आपको अपने दुश्मनों से भी मुक्ति मिलने का समय आ चुका है, क्योंकि दोस्तों इन 3 दिनों के भीतर आपके सभी दुश्मन अब आरती पर निकलेंगे। यानी दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों अब आपके दुश्मनों के साथ जो बड़ी घटना इन 3 दिनों के भीतर होने वाली हैं, दोस्तों उस घटना में आपके दुश्मन का मौत भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मनों ने बहुत कर लिया है अपनी मनमानी। दोस्तों उसने बहुत अपने ज़िंदगी में बुरे कर्म कर लिए हैं, बहुत उन्होंने पाप कर लिए हैं, दोस्तों अब उनके पापों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है,
अब इन तीन दिनों के भीतर आपके दुश्मनों के पापों का और बुरे कर्मों का सजा उन लोगों को मिलने वाली है। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आप इस जीवन में अगर कर्म जैसा करोगे आपको फल वैसा मिलेंगे। दोस्तों, भले ही देर से मिलेंगे लेकिन दोस्तों आपको मिलेंगे इसी ही जीवन में। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको हमेशा अच्छे फल की प्राप्ति होंगी, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको हमेशा बुरे फल की प्राप्ति होंगी। और आपके दुश्मन ने जैसा किया था अब उन लोगों को वैसा ही मिलने वाली हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दोस्तों, आप जैसे बोओगे आपको वैसे ही काटने को मिलेगा, और आपके दुश्मन ने जैसे करने किया था अब उन लोगों को उनके करने का फल यश में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी देने वाले हैं। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाए गए हैं। तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी भूल से मिस ना करें। दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि दोस्तों, आने वाले यह तीन दिनों का समय आप सभी के लिए कैसा लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इन तीन दिनों के समय अवधि में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा दृष्टि से आप लोगों को आखिर क्या क्या बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं, आपके जीवन काल में क्या क्या बड़े परिवर्तन होंगे, क्या क्या बड़े बदलाव होंगे, आप लोगों को क्या क्या बड़ी कामयाबी भी इन तीन दिनों के भीतर मिलने वाली हैं। और यह तीन दिनों के भीतर आपके बिजनेस व्यापार में, आपके नौकरी में, आर्थिक स्थिति में, घर परिवार के माहौल के क्षेत्र में क्या क्या बड़े परिवर्तन होंगे, इन क्षेत्रों में क्या क्या बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, इसे आप बिल्कुल भूल से मिस ना करें। तो दोस्तों, आइए समय को ज़्यादा न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी के और माता रानी जी के जितने भी सच्चे और प्यारे भक्त हैं, इस वीडियो को भी कभी अपने प्यारे हाथों से एक पर सेलेक्ट जरूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से और सच्चे मन श्रद्धा भाव से जय माता रानी तीन बार जरूर लिखें, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। और साथ ही इस चैनल पर जो भी भक्त पहली बार आए हैं, दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको राशि जुड़ी हर जानकारियां समय समय तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आने वाले यह तीन दिनों का समय आप लोगों के लिए कोई ऐसा वैसा समय नहीं रहने वाले हैं, बल्कि दोस्तों आपके और आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, यह समय की शुरुआत में ही आपको अपने जीवन की उस परेशानियों से मुक्ति मिलेंगी, उस मुसीबतों से आपको मुक्ति मिलेंगी। दोस्तों, जो मुसीबतें आपके कार्य क्षेत्र में थे, आपके नौकरी के क्षेत्र में थे, आपके घर परिवार के माहौल के क्षेत्र में थे, दोस्तों उन सारी परेशानियों से इन तीन दिनों के भीतर आपके आंखों के सामने आपको मुक्ति मिलती हुई दिखा देंगी, जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन और विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, आपके जीवन काल में इन क्षेत्रों में जो भी समस्याएँ आपको चारों से परेशान कर रही थी, दोस्तों वह समस्याएँ आपकी ज़िंदगी से या समय ऐसे दूर होंगे कि दोस्तों, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, और आपने कभी भी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि हमारे जीवन की इन परेशानियों का अंत कभी कुछ इस तरह से हो सकते थे। लेकिन दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ये जो परेशानी आपकी ज़िंदगी से दूर हो रही हैं, दोस्तों यूँ ही नहीं हो रही हैं, बल्कि आपके पिछले सभी अच्छे कर्मों का फल है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, भले ही भगवान के घर देर ज़रूर हैं लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं है। भगवान जब भी देते हैं तो भक्तों को छप्पर फाड़ कर ही देते हैं, और आपकी भी ज़िंदगी में यह समय कुछ ऐसे ही शुभ घटनाएँ घटने वाली हैं। दोस्तों, आपको हम जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जीवन में अगर सुख और दुख आए तो आपको सुख में कभी भी घमंड न करना चाहिए, और दुख में कभी भी आपको हताश और निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके ज़िंदगी में दुख है तो आपके ज़िंदगी में एक दिन सुख जरूर आएंगे, बस आप हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दो। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान अपने ज़िंदगी में जैसा कर्म करता है उसका जीवन
वैसा ही होता है। और आपने जो अच्छे कर्म किए थे दोस्तों, आपको उसे अच्छे कर्म का फल यश में भगवान श्री हरि विष्णु जी देने वाले हैं। और आपके ज़िंदगी में अब आप लोगों को वो खुशियाँ मिलने वाली हैं दोस्तों, जिसको उस खबरी को पाने के लिए आपकी आंखें सालों से तरस गई थी। और आप लोगों को हम बताना चाहूँगा कि इन 3 दिनों के भीतर आपकी वह ख्वाहिशें भी पूरी होने वाली हैं, आपके वह सपने भी सच और साकार होने वाले हैं दोस्तों। जिन सपनों को आप अपनी ज़िंदगी में सालों से सजते आ रहे हैं, जिन सपनों को आप पूरे करने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे परिश्रम किए थे, बहुत सारे मेहनत किए थे, आपके उसी परिश्रम का उचित फल आप लोगों को ऐसे मिलने वाले हैं। और आपकी हर एक सपने, आपकी हर एक ख्वाहिशें इन 3 दिनों के भीतर आपकी आंखों के सामने पूरे होने वाले हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपने करियर के क्षेत्र में जो भी आपने कदम बढ़ाए हुए थे दोस्तों, जिन सफलताओं को आप प्राप्त करना चाहते थे दोस्तों, वह सफलताएँ भी आपके हाथों इन 3 दिनों के भीतर बहुत ही आसानी से लग सकती हैं। और आप जिन सफलताओं को प्राप्त करना चाहते थे दोस्तों, वह सफलताएं आप यश में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यश में आपके साथ भाग्य और किस्मत दोनों साथ रहेंगी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी कृपा आपके ऊपर रहेंगी, जिस कारण से आप अपनी ज़िंदगी की वो हर एक सफलताओं को यश में प्राप्त भी कर सकते हैं। और आप इन 3 दिनों के भीतर चाहे जिन भी क्षेत्र में आप जो भी कार्य शुरू करेंगे दोस्तों, चाहे आपके बिजनेस व्यापार के क्षेत्र हो, आपके व्यवसाय के क्षेत्र हो, करे के क्षेत्र हो, व अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र हो, आप यश में जिस भी क्षेत्र में कदम बढ़ाएंगे, आप लोगों को हर क्षेत्र में यश में सफलता ही सफलता मिलेंगी। और आप जो भी कार्य करेंगे, आपको हर कार्य में अब सफलता ही मिलेंगी। और आप लोगों के अगर रास्ते में किसी प्रकार की रुकावटें आएंगी, किसी प्रकार की परेशानियां आएंगी, तो उन सारी परेशानियों से आपको अब हमेशा के लिए मुक्ति भी मिल सकती है। और दोस्तों, अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से विदेश जाना चाहते थे, तो आपकी कामना भी इसमें पूरी हो सकती है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ लंबे समय से अगर किसी प्रकार की विवादें चल रही थी, किसी प्रकार की गलतफहमी चल रही थी, तो वह परेशानी भी इसमें दूर होंगी और आपके पूरे परिवार में उसमें खुशी का माहौल भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपने ज़िंदगी में आर्थिक दिक्कतों का सामना काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, तो आपकी ज़िंदगी से यह परेशानी भी दूर हो सकती है। और आप लोगों को इसमें अपनी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय आप लोगों को उस क्षेत्र से धन की प्राप्ति होने वाली है दोस्तों, जिस क्षेत्र में आपने काफ़ी लंबे समय पूर्व ही निवेश किए हुए थे। और आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों यह समय आप लोगों को उन लोगों से थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी दोस्तों, जो शत्रु जो विरोधी आपके पक्ष में हमेशा कुछ न कुछ गलत कार्य करते रहते हैं, जो आपको हमेशा मुसीबत में फंसाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोगों को ऐसे में उन लोगों से थोड़ा समर करने की आवश्यकता होगी। ऐसे में आप कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उनसे जरा बच कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वे लोग आपको ऐसे में किसी प्रकार की मुसीबत पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, तो ज़रा सावधानी बरतने की आपको बहुत ही आवश्यकता होगी। और ऐसे में अगर आप कहीं पर भी वाहन चला रहे हैं, तो आपको थोड़ा संभल कर चलाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसे में आपके साथ किसी प्रकार की चोट चपेट लगने की आशंकाएँ भी आपके ग्रह गोचर दे रहे हैं, तो ज़रा संभल कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर भी होंगे और आप हमेशा ज़िंदगी में खुश भी रह सकते हैं।